हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा फूड हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटे के बिस्किट्स बनाने जा रहे हूँ, जिसे बनाकर आप एक महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। और ये आटे के बिस्किट्स खाने में बाजार के बिस्किट्स से बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए बिस्किट्स बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्किट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर 250 ग्राम गेहूँ के आटे लेंगे, 50 ग्राम सूजी लेंगे, 50 ग्राम नारियल का बुरादा लेंगे, 1 चम्मच इलायची पाउडर लेंगे और सारे चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। 50 ग्राम घी डालेंगे और घी को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऐसे करके देखेंगे एकदम अच्छा सा बाइंड हो रहा है, बस इतना ही मोइन चाहिए होता है। और 100 ग्राम चीनी लेंगे और एक बोल में डाल देंगे और इसमें 1 कप के करीब दूध डाल देंगे और दूध को डालकर चीनी में मिला लेंगे। चीनी को ज़्यादा नहीं घुलाना है, चीनी दूध में दिखना चाहिए, चीनी बिस्किट्स में दिखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है बिस्किट्स। तो मैंने चीनी को दूध में मिला लिया है। तो अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो अब हम दूध और चीनी के घोल से आटा के डो बनाएंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और डो को बनाते जाएंगे। पूरा दूध आटा में एक ही बार नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। एक ही बार सारा दूध डाल देंगे तो हमारा डो ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है, इसलिए दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ये लीजिए, मैंने आटा का डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हम डो को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और गोल गोल बना लेंगे, बॉल जैसा। और अब हम एक बेलन चकला लेंगे और ये आटे के बॉल को बेल लेंगे रोटी जैसा। और ये देखिए, मैंने बॉल को बेल लिया है। और अब हम बिस्किट्स के शेप देने के लिए हम इस शीट को दोनों साइड से कट कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। चारों तरफ से हम चाकू की सहायता से कट कर लेंगे और ये कटे हुए भाग को निकाल लेंगे और इसका दोबारा बिस्किट्स बना लेंगे। स्क्वायर शेप में शीट को कट कर लेंगे। तो अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे, फिर इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है और ये 4 बिस्किट्स बनकर तैयार हुए। अब हम इसमें बिस्किट्स जैसा डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए एक चाकू लेंगे और चाकू के पीछे के साइड से इस तरह से दबाकर डिजाइन बना लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से, इसी तरह से सारे बिस्किट्स को बना लेंगे, इसी तरह से सारे डो का बिस्किट्स बना लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारे आटे के डो का बिस्किट्स बना लिया है। तो अब हम चलते हैं फाइनल बिस्किट्स बनाने। तो बिस्किट्स बनाने के लिए हमें कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें घी डालेंगे और घी डालकर घी को गर्म होने देंगे। और अब हमारा घी गर्म हो गया है तो अब हम ये बनाए हुए बिस्किट्स को डाल देंगे और इसे तल लेंगे। इसे अलट पलट के चारों तरफ से तल लेंगे। और अब हमारा बिस्किट्स बनकर तैयार हो गया है। तो इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे, इसी तरह से सारे बिस्किट्स को बना लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट्स को बना लिया है। और ये देखिए, हमारे बिस्किट्स देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। जितना देखने में बढ़िया लग रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बाजार के बिस्किट से कई गुना ज़्यादा है, ये हमारा घर का बिस्किट्स भी। तो आज की हमारी ये बिस्किट्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम एक और नई रेसिपी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।